ઉનાળાના પ્રારંભની સાથે જ ભરૂચ જિલ્લામાં ગરમીનો પારો પણ વધી રહ્યો છે। જિલ્લામાં બપોર પડતા જાણે કે રસ્તાઓ સુમસામ થતા હોય તેવી સ્થિતિનું સર્જન થયું છે। ભરૂચ જિલ્લાના માર્ચના છેલ્લા સામા તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર જતા શહેરીજનો આખરી ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યા છે। ગરમીના પ્રકોપથી બચવા લોકો ઠંડા પીણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે। બપોરના સમયે શહેરમાં આવેલા શેરડીના રસ, ઘર સહિત ફાઉન્ટેન સોડાનું જ સેવન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા હોય છે। બીજી તરફ ગરમીના પ્રકોપથી બચવા માટે લોકો પોતાના શરીરને ઢાંકી જાહેર માર્ગો પર નીકળતા નજરે પડી રહ્યા છે। ત્યારે ગરમીના આ પ્રકોપમાં કયા પ્રકારની કાળજી રાખવી, શું ખાવું જોઈએ અને કઈ કઈ બાબતોનું પાલન કરવું જોઈએ તે અંગે ડોક્ટર કિરણ પટેલ મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા મેડિશિયન અને મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર દીપા થડાણીની સાથે વિશેષ વાતચીતમાં શહેરીજનોને ગરમીમાં મદદરૂપી સંદેશો આપ્યો હતો। I am Dr. Deepa Thadani, KMCRI Bharuch, Assistant Professor in Medicine Department. So, अभी हमारे पास जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं वो इसी प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा धूप की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है या बेहोश हो गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे पेशेंट को इसके बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो हमारे यहाँ टेम्परेचर है भरूच में 40-45 के आसपास जाता है दिन में, रात को करीब 24-25 तक रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मैक्सिमम टाइम हमें ये अवॉइड करना है कि दिन के समय 12 से 4 अगर हमें काम ना हो तो हम बाहर ना निकलें। अगर काम है तो कुछ प्रिकॉशंस लेकर निकलना है, जैसे केप पहन के, हल्के फुल्के कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े पहनने और बाहर निकलें। साथ ही पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, जितना हो सके आप पानी पीते रहिए। आप बाहर जा रहे हैं अपने साथ एक बोतल हमेशा रखें, पानी पीते जाइए। हाँ, और सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोका कोला ये सब चीज़ें कंज्यूम ना करें इस टाइम पर। जितना हो सके नेचुरल जैसे जूस हैं वो आप ले सकते हैं, दही है, छाछ है, ये सब चीज़ें आप लेते रहिए। दूसरा, कुछ चीज़ें जैसे आप अगर धूप से डायरेक्ट आ रहे हैं, धूप से घर जाने पर तुरंत जाके ना नहाएं या तुरंत जाके एसी में ना बैठें। थोड़ी देर घर पर जाएं, पंखे के नीचे बैठें, उसके बाद ही एसी चलाएं या नहाने जाएं। एकदम से घर पर आकर ठंडा पानी नहीं पिएं, इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। और आप टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर दिन में 1 से 4 के बीच में जो हीट वेव्स चलती हैं, इससे बचने के लिए अपने आँखों को भी बचाए रखें। आँखों के लिए आप गोगल्स का इस्तेमाल, काले कलर के जो गोगल्स आते हैं, नॉर्मल गोगल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सन लोशन क्रीम जो 20 से 40 SPF तक के रहते हैं वो आप यूज़ करें। सर पर एक हो सके या तो दुपट्टा पहने, लड़कियां हैं तो दुपट्टा पहने, लड़के हैं तो टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक केप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम लूज क्लॉथिंग पहने, हो सके तो जूते अगर नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा है, चप्पल पहने। सॉक्स भी वैसे इस्तेमाल करें, मोजे वैसे इस्तेमाल करें कॉटन के जो कि हल्के फुल्के हों। ठीक है।